यूपी के बुलंदशहर में पावर कॉरपोरेशन का नया कारनामा सामने आया है। पावर कॉरपोरेशन ने किसान के यहाँ नलकूप कनेक्शन लगाए बगैर ही 26,385 रुपए का बिजली बिल भेज दिया। आश्चर्यजनक की बात यह है कि एक महीने में बिजली के बिल में उपभोग की यूनिट शून्य दर्शाई गई है। मामले की शिकायत पीड़ित किसान ने यूपी के सीएम से की तो विद्युत विभाग के अधिकारियों ने गलती स्वीकारते हुए इसे कार्यालय सहायक की त्रुटि बता कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव नवादा की, जहां किसान मनोहर सिंह दिखा रहे हैं कि उनके खेत पर न तो बिजली का खंभा है न ही बिजली का तार। बिजली का नलकूप कनेक्शन न होने के कारण अभी तक ट्यूबवेल भी नहीं लगा है। इसके बावजूद पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने 26,385 रुपए का बिजली बिल भेज दिया। दरअसल किसान मनोहर सिंह ने 8 सितंबर 2018 को सामान्य योजना के तहत नलकूप लगवाने के लिए बिजली कनेक्शन को आवेदन किया था, जिसके आवेदन की रसीद संख्या 5002625 थी। इस योजना के तहत मनोहर ने नलकूप के लिए 9,800 रुपए का शुल्क भी जमा किया था, मगर जब बिजली का कनेक्शन नहीं लगा और बिल आया तो पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की, जिसके बाद पीड़ित किसान को 19 अगस्त 2020 को उनका आवेदन 60वें नंबर पर होना बताया गया। आपका? मेरा नाम मनोहर सिंह है। और जी कहाँ खड़े हो, क्या अपने खेत पर खड़ा हूँ जी। यहाँ नहीं कोई खम्मा है ना कोई तार है, और 2 साल रह गए इस मामले में बिजली के में, और अब तक कोई सुनवाई ना हुई, और 26,000 का बिल और आएगा हम पर। 26,000 कितना? 385 का बिल। क्या चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई? कार्रवाई होनी चाहिए उनके संग। ये हम 2 साल से परेशान कर रखे हैं हम इन लोगों ने, ना है कोई कोर्ट रहा है ना कुछ है यहाँ। ये ट्यूबवेल का मामला यह है कि विगत 2 वर्ष पहले यानी 8 सितंबर 2018 को हमने विद्युत विभाग बुलंदशहर में निजी नलकूप संयोजन के लिए हमने आवेदन किया था, जिसकी 100 रुपये की रसीद भी हमने कटाई थी। उसके बाद में हमने TC शुल्क के रूप में 9,800 रुपये जमा किए थे। तो ये सामान्य योजना के अंतर्गत हमने अप्लाई किया था। अब हुआ ये कि जब 2 साल से हमें ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिल पाया, तो हमने इसके लिए मैंने 27 जुलाई में एक शिकायत संख्या IGRS पर मैंने दर्ज कराई, जिसका जवाब विद्युत विभाग ने मुझे दिया कि अभी हम 30 जून 2018 तक ही जो नलकूप संयोजन निर्गत कर चुके हैं, यानी कि जिन्होंने प्रक्रिया शुल्क 30 जून 2018 तक जमा करा दिया था उनको इन्होंने संयोजन दे दिया है, और मुझे मेरे जो लंबित जो आवेदनों में मेरा जो क्रम था उसे 60वां होना बताया 60। अब उसके बाद में जब मैं इसे सेटिस्फाई नहीं हुआ, पुनः मैंने 2 अगस्त 2020 को फिर मैंने दर्ज कराया, तो इन्होंने उसमें भी यही जवाब लगा दिया। इससे संतुष्ट ना होकर के मैंने माने मुख्यमंत्री महोदय, माने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भी मैंने एक पत्र ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया, जिसका जवाब मुझे साधारण डाक से मिला, जिसकी प्रतिलिपि मुझे भी मिली है और जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर को भी मिली है, जिसमें भी यही होना बताया है कि 30 जून 2018 के बाद विभाग को कोई लक्ष्य नहीं मिला है, जबकि मेरा तो 8 सितंबर 2018 का है और उसमें मुझे 60वां नंबर बता रहे हैं। एक तरफ ये मुझे 60वां नंबर बता रहे हैं कि भविष्य में आपका जो पेंडिंग जो आपका जो नंबर है वो आपको 60 नंबर है और भविष्य में मिलेगा, दूसरी तरफ 20 अगस्त को मुझे मेरे घर पर 26,385 का ये बिल भेज रहे हैं। जब इस संबंध में मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बातें की तो उन्होंने नानुकर करते हुए और इसे मतलब एक छोटी सी गलती माना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी, ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। जब मेरे पास बिल आ रहा है तो मेरे लिए ट्रांसफार्मर, बिजली का खम्भा, तार इत्यादि भी कहीं ना कहीं से तो आवंटित हुआ होगा, वो गया कहाँ, इसकी जांच कराने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि इस पर शासन संज्ञान ले और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। उन्होंने घपला करके आपका कहीं और, उन्होंने घपला करके मेरे सामान को किसी और को आवंटित कर दिया, यानी कि जो हमारा ट्यूबवेल के लिए जारी होना था, आवंटित होना था, वो किसी और को आवंटित कर दिया है और बिल हम पे चल रहा है। और अभी कोई ट्यूबवेल है ना? बिजली है ना खम्भा है ना तार है, बस सिर्फ बिल भेज रहे हैं। और ट्यूबवेल बना हुआ है आपका खेत पर? कोई कुछ नहीं है अभी। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस पर मतलब इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो कि आखिर जो हमारा जो अकाउंट नंबर भी हमारा एक्टिव दिखा रहे हैं, ये रजिस्टर्ड में मैंने वहाँ जाकर के चेक करवाया तो वहाँ पर एक्टिव है, और ये कह रहे हैं कि ये मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी मतलब जांच हो और इसमें जो अब हमारे नाम से जो बिल चल रहा है इस पर कहीं ना कहीं तो बिजली का पोल जो विद्युत विभाग देता है, ट्रांसफार्मर, बिजली का तार, वो आखिर गया कहाँ, किसको दे दिया, इन्होंने पैसे लिए होंगे किसी और को दे दिया होगा, तो इसकी जाँच होनी बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ यही नहीं कि बिजली का बिल माफ़ करेंगे, ये इसकी जाँच हो, सामान कहाँ गया, संबंधित जवाबदेह अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैं मतलब
मांग करता हूँ कि इन लोगों पर कार्रवाई हो, जो ये जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके दूसरे ही दिन यानी 20 अगस्त को उनके पास बिना कनेक्शन 26,385 रुपए का बिल भेज दिया गया। मामले में आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीएम बुलंदशहर को ट्वीट कर लिखा कि अजीबोगरीब स्थिति, मनोहर सिंह एसओ बन्ने सिंह ग्राम नवादा पीओ बिरंडी ताजपुर ने 8/9/18 को निजी नलकूप कनेक्शन हेतु आवेदन किया, अब तक उन्हें आवंटन नहीं हुआ है। बिजली विभाग ने आईजीआरएस में अभी हाल में 19/8/20 को उनका आवेदन 60 नंबर पर बताया, पर अगले दिन 20/8 को बिना कनेक्शन उन्हें 26,385 का बिल भेज दिया। निश्चित रूप से अत्यंत आपत्तिजनक है, कृपया कठोर कार्रवाई कर न्याय दे। मामले को लेकर जहां पीड़ित किसान का दावा है कि पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने उसके नाम पर कनेक्शन दर्शाकर विद्युत विभाग से जारी सामान कहीं और बेच दिया है, पीड़ित किसान ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। प्रकरण ये है कि उनके द्वारा 2018 में आवेदन किया गया था नलकूप के संयोजन के लिए, उन्होंने उसके उसमें जो है पैसा जमा कराया 20/19 को, फरवरी 2019 में उन्होंने पैसा जमा कराया और साथ में ही अपना एग्रीमेंट भी कर लिया, तो जो हमारे कार्यालय सहायक थे उनकी गलती से वो बिल भी उसका निर्गत हो गया जो है, तो ये गलत है, वो बिल जो है निरस्त कर दिया गया है और संबंधित कार्यालय सहायक के विरुद्ध कार्यवाही भी करने हेतु जो है संबंधित को निर्देशित कर दिया गया। पावर कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता स्वीकार कर रहे हैं कि उनके कार्यालय सहायक की गलती से किसान को गलत बिल निर्गत कर दिया गया है, अब कार्यालय सहायक के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा भी कर रहे हैं और पीड़ित किसान का बिल भी खत्म कराए जाने की बात कह रहे हैं। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। Time24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का।